जो भी बोलो, एक प्रोफेशनल कैमरा से वीडियो बनाने का मजा ही कुछ अलग होता है। और जबकि वो वीडियो जब शूट होने के बाद उसका जो क्वालिटी निकलता है वो 4K होता है, तो और भी अच्छा होता है। सो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ मेरा नया वाला सेटअप, जो कि है DJI Osmo Pocket 2, जो कि 4K वीडियो सपोर्ट करता है। एक छोटा सा डिवाइस है जिसके साथ साथ गिम्बल मिलता है, और DJI का गिम्बल तो भाई ऑलरेडी एक अच्छा खासा मार्केट करके रखा है। और मेरा ये वाला एक क्रिएटर कॉम्बो जिसके साथ साथ मेरे को एक माइक मिला है। सो आप सोच ही सकते हो कि अभी वीडियो, साउंड, फुटेज वगैरह जो भी रहेगा सब कुछ एक प्रोफेशनल आने वाला है। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, योर यूट्यूब चैनल बॉन्क बाइसेप्स। सो वीडियो जब अच्छा कैमरा से मैं कर रहा हूँ तो अच्छा कंटेंट भी आना चाहिए। सो कंटेंट के लिए मैं अभी जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कंटेंट के लिए, मेरे को बहुत दिन से करना था। मैं अंडमान में सोचा था करूँगा, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा खास मेरे को प्रोफेशनल टैटू स्टूडियो नहीं दिखा, होगा शायद से लेकिन मेरे को नहीं दिखा। सो मैं यहाँ पे आने के बाद, कोलकाता में आने के बाद, मेरा दोस्त एक वो कर रहा था इस सब के ऊपर, तो उसका ट्रेनिंग ख़त्म हो गया, अभी वो काम कर रहा है एक जगह में। तो आज सुबह ही बात हुआ, वो बोला ठीक है शाम को आ जाओ, मैं कर देता हूँ। सो मेरा इस हाथों में, मैं अपना ट्रैवल के ऊपर मैं एक्चुअली काम करता हूँ, सो उसके ऊपर ही बेस करके टैटू बनाने वाला हूँ। हमेशा आप जब टैटू वगैरह कुछ भी बनाओ तो एक उसको एक कोई ये होना चाहिए, उसका कुछ एक मीनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं बेफिजूल का मैं बना दिया कुछ भी, एक मीनिंग होना चाहिए। एक मीनिंगफुल टैटू बनाने से आपको भी वो दिखने में भी अच्छा लगेगा, आपको बनाने के लिए भी पैशन आएगा, एंड दर्द तो एक होता है, उतना दर्द भी आपको नहीं होगा। सो मैं तो अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ, एंड ऑब्वियसली मैं उसको शूट करने वाला हूँ एंड चेक करने वाला हूँ कि इसका क्वालिटी कैसा है सब कुछ। और भाई ऑब्वियसली 4K है, तो भाई सोच ही लो कि क्वालिटी कैसा होने वाला है। जल्दी 8-9 बजे तक मैं घर आ गया था। उसके बाद मैं और व्लॉग कुछ नहीं बनाया, आराम से घर में आया, खाना पीना खाया और लेट गया। क्योंकि एक तो देखो, कल जब मैं पहुंचा वहां पे, दोस्त के वहां पे टैटू पार्लर पे, तो पहुंचने के बाद एक तो मैं बहुत ही नर्वस था, क्योंकि ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलो लास्ट में जो टैटू बनाया था यहाँ पे, सो वो 2019 में बनाया था। सो 19 के बाद 5 साल के बाद फिर से मैं टैटू बनाया। सो ये जो पेन होता है ना टैटू का, ये आपको फील नहीं रखता। जब आप करोगे थोड़ा लगेगा, उसके बाद आप भूल जाओगे, आपका ब्रेन से ही आउट हो जाएगा कैसा इसका पेन रहता है। सो 5 साल के बाद जब मैं बनाया तो थोड़ा सा तो दर्द हुआ, और सबसे ज़्यादा नर्वस हुआ। ठीक है, दर्द तो थोड़ी देर के बाद जैसे ही एक आउटलाइन हो गया तो वो तो आराम से दिमाग से हट गया दर्द, लेकिन एक नर्वसनेस उसके चक्कर में जाके पूरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया था मेरे। सो बेसिकली कल मैं इसका वीडियो क्वालिटी वगैरह सब कुछ चेक किया, सब कुछ देखा, बहुत ही अच्छा वीडियो क्वालिटी है। मैं एडिट किया आके, हाँ ये तो काम मैंने किया था कि थोड़ा सा एडिट करके रख दिया था, क्योंकि कल सुबह अभी जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ इसको उसके साथ ऐड कर दूंगा, ताकि मेरे को ज़्यादा मेहनत और ना करना पड़े। सो अभी मैं फ़िलहाल ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, ब्रेकफास्ट के लिए सब कुछ, जो कि सबसे अच्छा होता है ब्रेकफास्ट पे। एंड बाय द वे, मेरा कैमरा का सबसे अच्छा चीज़ ये गिम्बल, भाई जैसा भी करो जो भी करो मेरे को फुल फोकस में रखता है। जो भी मेरे को देख रहा है वो एक ही बात बोल रहा है कि तुम तो पहले से बहुत दुबला हो गया, बहुत दुबला हो गया। लेकिन मेरे को तो नहीं लगता कि मैं बहुत दुबला हो गया, मेरे को लगता था मैं बहुत हेल्दी हो गया, बहुत मोटा हो गया, लेकिन बहुत दुबला हो गया मेरे को सभी तो बोल रहे हैं यहाँ पे आने के बाद। अभी पता नहीं, सब बहुत दिन के बाद मेरे को देख रहा है करके ऐसा बोल रहा है कि मैं सही में दुबला हो गया, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन मेरे को तो लगता है मैं बहुत मोटा हो गया।
और इस चीज़ होता है कि मेरा हाइट भी अच्छा खासा है, सो उसके चक्कर में मैं जो थोड़ा सा फुल भी जाता हूँ तो वो चीज़ एडजस्ट हो जाता है, तो मेरे को लगता है वो चीज़ भी हो सकता है शायद से। सो फिलहाल यहाँ पे बन रहा है हम लोगों का सत्तू, मस्त हो गया। थोड़ा सा और नमक देना है क्योंकि नॉर्मली पी नहीं सकता, नॉर्मल पीने से क्या होता है ना, एक तो मतलब टेस्ट नहीं लगता उतना खास, तो थोड़ा सा नमक बस टेस्ट के लिए, बस और कुछ नहीं। लेकिन मेरे को अभी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है पानी से बच के रहना, इस हाथ को बचा के रखना। जिस हाथ से मैंने कैमरा पकड़ के रखा है उस हाथ को बचा के रखना, क्योंकि टैटू उसमें ही है। मेरे को मना कर दिया स्ट्रिक्टली कि अभी जितना हो सकता है पानी से दूर रहना, नहाने के टाइम वेजलिन वगैरह यूज़ करना। तो वेजलिन तो कल रात को ही मैंने खरीद लिया था, लेकिन अभी पानी से पूरा का पूरा बच के रहना क्योंकि इसको मेरे को ग्लो करवाना है। थोड़ा बहुत तो ये सब कुछ उठाना पड़ेगा। सबसे अच्छा चीज़ मेरा इस कैमरा का लगा कि इस कैमरा में जब भी मैं एक कैमरा को ऑफ़ कर देता हूँ मेरा माइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, चार्ज भी थोड़ा सा भी डिटेक्ट नहीं होता। इसको लास्ट मैंने चार्ज किया था 2 दिन पहले, जबकि इसको 100% किया था पूरा। और मेरा कैमरा कल मैंने टैटू बनाया, वीडियो वगैरह बनाया, तो उसमें क्या मतलब माइक ऑन था, मेरे को पता भी नहीं था कि माइक ऑन होके पड़ा है मेरा जेब में। वो मैंने देखा भी नहीं था, लेकिन अभी भी जब मैं माइक कनेक्ट करता हूँ इसमें ऑन करके, वो 100% दिखाता है। जब भी मैं इस सिस्टम को, मैं बाद में यूट्यूब से पता चला कि जब भी इसको ऑफ़ करता हूँ ऑटोमेटिकली ये वाला ऑफ़ हो जाता है क्योंकि वायरलेस माइक है। लेकिन एक चीज़ तो है इसमें दिक्कत, वो मैं बोलूँगा कि जब भी मैं 4K में वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा इसका जो मशीन एरिया है जहाँ पे इसका सिस्टम वगैरह चलता है, ये जगह जो PVC बोर्ड वगैरह इसका जो भी है सिस्टम वगैरह, उससे कुछ थोड़ा सा गर्म हो जाता है। जबकि मैं 1080 पिक्सल 60 FPS में 1080 पिक्सल को जब मैं शूट करता हूँ गर्म नहीं होता। 2.7K में जब मैं शूट करता हूँ 60 पिक्सल में, तब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब मैं 4K में शूट करता हूँ, 2K तक कुछ प्रॉब्लम नहीं, 4K जब मैं शूट करता हूँ तभी ये दिक्कत होता है। मेरे को लगता है कि 4K में शायद से गर्म। अभी जाके गिम्बल थोड़ा सा मेरे लिए यूज्ड टू हुआ है क्योंकि अभी मैं इसका मतलब एक्टिव एरिया वगैरह ये सब कुछ समझ गया, थोड़ा बहुत इसका फंक्शन और भी जानना है। जिस दिन जान जाऊँगा और भी, तो और भी स्मूथ ईजी तरीके से मैं ब्लॉग बना सकता हूँ। फिलहाल साउंड क्वालिटी तो एकदम चुम्बेश्वर वाला साउंड क्वालिटी है। फिलहाल मैं ब्लॉग को इन पर ख़त्म करता हूँ, नया वाला ब्लॉग को शुरू करना पड़ेगा अभी धीरे धीरे करके। अभी यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। यहाँ तक अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।